तिरुपति प्रसाद विवाद पर बड़ी खबर ये कि उस मंदिर प्रांगण में शुद्धिकरण यज्ञ का आयोजन किया गया। मंदिर के मुख्य यज्ञशाला में हुआ है हवन। आपको ये बता दें कि तिरुपति, नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। के प्रसाद में चर्बी का खुलासा हुआ था, जो रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद बवाल की स्थिति है। इस पर बहुत सवाल भी खड़े हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तिरुपति मंदिर परिसर में किस तरीके से शुद्धिकरण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर, जो कि लाखों लाख लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, लाखों लोग यहां पर पहुंचते हैं। और जब से रिपोर्ट आई है, लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ, चर्बी वाली बात सामने आई, तब से सवालों के घेरे में है, क्योंकि लोगों की आस्था के साथ इसे खिलवाड़ माना जा रहा है। ये देखिए, अलग अलग चार तस्वीरें आपके सामने हैं। तिरुपति में शांति यज्ञ मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, और प्रसाद विवाद में अब SIT की जांच होगी। ये भी वहां की सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि एक IG स्तर का अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करने जा रहा है, और इसके लिए बकायदा SIT का गठन किया गया है। ABP न्यूज से बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज, तिरुपति बोर्ड में बदलाव होना चाहिए, प्रसाद में मिलावट से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा, यह कहना रामभद्राचार्य जी का। हिंदू धर्म को ठेस पहुंचा रही है ईसाई और इस्लाम की संस्कृति, तो बड़ा षड्यंत्र इसे उन्होंने बताया है, और कह रहे हैं रामभद्राचार्य कि इसका बदला लिया जाएगा, सनातन बोर्ड का गठन होगा, सनातन बोर्ड सभी मंदिरों पर नियंत्रण करेगा, यह कहना रामभद्राचार्य का। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे तिरुपति तिरुमाला मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात, जो पशुओं की चर्बी, फिश ऑयल, मछलियों के तेल से बने प्रसाद के मिलावट का मामला सामने आया? इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इससे स्पष्ट रहता है कि ईसाई संस्कृति, इस्लामी संस्कृति दोनों मिलकर हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, पर हिंदू धर्म समाप्त नहीं होगा और इसका हम दंड देंगे। हम एक ऐसा बोर्ड गठन करने जा रहे हैं, सनातन बोर्ड होगा, जो सभी मंदिरों पर नियंत्रण करेगा, और बहुत और इस अपमान का भी हम बदला लेंगे समय आने पर। कैसे अपमान का बदला लिया जाएगा, कैसे उन्हें सबक सिखाया जाएगा जिन लोगों ने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया? सिखाया सीखेंगे, हमारी तहमा है, हमारी तैयारी चल रही है, अभी अभी बताना ठीक है। कोई षड्यंत्र आपको लगता है इतने व्यापक तरीके से ये किया जा रहा है? षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र। राम मंदिर के लिए भी जो मंदिर भेजे गए प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उस वो मंदिर, वो में जो प्रसाद भेजा गया, लड्डू भेजा गया, वो भी उसी संस्था द्वारा भेजा गया जो तिरुपति बालाजी में भेजा? नहीं, उसमें नहीं था। अच्छा, ऐसा खुद विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है क्या कि जो मंदिर वहाँ पर प्रसाद भेजा गया तिरुपति तिरुमाला मंदिर में, वही राम मंदिर के लिए भी भेजा गया था? तो भगवान ने बचा लिया, उसमें नहीं था। सनातन धर्म हिंदू रक्षण बोर्ड गठन करने की बात की जा रही है तमाम साधु संतों द्वारा, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? हम बोर्ड गठन करेंगे। जिन लोगों ने ये किया, जो ये कृत्य किया, जो सरकार पर आरोप लग रहा है, जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लग रहा है, और ये आरोप लग रहा है कि वो खुद ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और उन्होंने उस तिरुपति बोर्ड में क्रिश्चियन लोगों को बोर्ड में शामिल किया, सही है? तो बोर्ड में कुछ परिवर्तन होना चाहिए बोर्ड के पैनल में। और भी करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप जीत का आशीर्वाद किसे देंगे, किन कौन से लोग चुनकर आए महाराष्ट्र विधानसभा में? जो हिंदुत्व की बात करें, जो राम जी का समर्थन करें, जो कृष्ण का समर्थन करें, पंडित लाल का समर्थन हुई, तो
कौन सी पार्टी आपको लगता है कि उसके करीब है जो हिंदू समाज का या हिंदू धर्म के रक्षण की बात कर रही है? जो इसमें सत्ता में है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है, आप इस बात से सहमत हैं? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी या वो कांग्रेस पार्टी नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है? सही कहा मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम भद्राचार्य महाराज जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने सही बात कही कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है। और रही बात तिरुपति में जिस प्रकार से प्रसाद में मिलावट हुई, ये इसका बदला लिया जाएगा और समय आने पर इसकी दशा और दिशा बताई जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।